अभी जा रहे हैं इस मार्केट, और सचिन भाई अपनी स्कूटी चला रहे हैं और हम पीछे बैठे हैं। तो यहाँ पे फिश काफ़ी अच्छी है, देखते हैं कौन सी फिश ये खरीदवाई है। मुझे तो नाम भी नहीं पता है सबके, और अपना मास्क लगा हुआ है क्योंकि मास्क ज़रूरी है यहाँ पे। और इस तरह का है कुछ अलीबाग, आप देख सकते हो। थोड़ा गोवा जैसी फीलिंग भी आती है यहाँ। हाँ हाँ एकदम, ये हो गया दमन हो गया। हाँ गिरावट लेना यहाँ पे। ओके ये आ गया ना, ये तो सब्जी मंडी है। अच्छा ये यहाँ पे सब्जी मंडी है, इधर इसके आगे वाला ये है फिश मार्केट है। तो ये है यहाँ की सब्जी मंडी, और अब आगे की तरफ जो है यहाँ पे फिश मार्केट है, इधर की तरफ। अभी तक लगा नहीं है तो आ गए हैं फिश, शायद अभी नहीं आए। नहीं अभी तक नहीं आए। तो ये फिश मार्केट है मगर अभी लगा नहीं है यहाँ पे। तो ये है यहाँ की फिश मार्केट, वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है इस तरह की, और अभी बंद है पूरा, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो लेट आते हैं। हाँ लेट आएंगे। आज नहीं मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, लेट मिलेगी। कौन सी फिश है ये? रावस। रावस ये रावस है, ये सुरमई है, इधर सुरमई। हाँ इस मंगला में तो ये अलीबाग का मार्केट है, लेकिन अभी सुबह सुबह खुला नहीं है। और पीछे हमने फिश मार्केट में देखा, लेकिन वहाँ पे अभी मिली नहीं जो हमें चाहिए थी पॉपलेट। तो ये है यहाँ का थोड़ा मार्केट, आपको दिखा देता हूँ अलीबाग। अभी बाहर आए हैं एक्चुअली, तो वहाँ पे आके हमें ये मिली है पॉपलेट, ये होती है पॉपलेट एकदम फ्रेश। एवढा नको किती पाहिजे मला? सुटिंग काढायला आले ये पॉपलेट है। 8 पाहिजे मला। पॉपलेट क्या रेट है देखते ना अभी, आंटी क्या लगाती है। अच्छा 8 पाहिजे। हां इधर है प्रॉन्स, ये ताजे वाले है, सारा सी फूड है यहाँ पे। ये दोनों क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मराठी में बोले जा रहे हैं दोनों के दोनों, और मैं मुझे पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। तो ये हो गए अभी रेडी, यहाँ से चलते हैं अब लेके सामान सब। अंदर आ गया? हाँ तो कैमरा दे दो इधर, अभी निकलते हैं यहाँ से, वापस घर मिलते हैं हम चल के सीधे। तो ये पीछे हमने जहाँ पे पॉपलेट की देखी थी वहाँ पे नहीं ली, यहाँ से ले रहे हैं। हाँ ये पूरा सफाई करके इसको देते हैं, काट के और उसको साफ करके तब ये देते हैं। और ये देखो ये भी अलीबाग का एक अट्रैक्शन है, मस्त है, ऐसे पोंड है बीच में, इसमें मछलियाँ हैं। मछलियों का तो नहीं पता, बट इसमें ना ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं उगे हुए, पत्ते 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 पूरे में, और उसके ऊपर छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर्स। स्विमिंग नहीं कर सकते, ये बहुत बुरी बात है। हाँ स्विमिंग नहीं कर सकते, मछलियाँ भी है इसमें। और वो सामने कुछ बना है, उधर तक चलते हैं। हाँ और ये ना लॉयन है, आगे से तो दूसरी तरफ से दिखाऊंगी मैं, अभी पीछे से दिख रहा है। ये जैसा सिंगापुर में रहते ना वो लॉयन, और वो पानी निकलता रहता है उसके मुंह से, वैसा कुछ है ये। बाकी मैं सामने से दिखाऊंगी इसको अच्छे से आपको। और ये पौंड के ना चारों तरफ पेवमेंट बना हुआ है, और ऐसे छोटे छोटे ये बने हुए हैं लाइक ये गेट टाइप के, और इससे निकल निकल के जाते रहते हैं। वो शील्ड और वो क्या होता है? हाँ क्रोबार, हाँ क्रोबार लगे हुए।
और बैठने के लिए भी है थोड़ा, अगर आपको बैठना है ऐसे सीटिंग एरिया। और इधर ना बहुत सारी मछलियाँ हैं, शायद आपको दिख भी रही हों थोड़ी बहुत, नीचे नीचे बहुत हैं। और ये वो कुछ दिख रहा है सामने से, जो मैंने आपको लॉयन दिखाया था सामने से ऐसा कुछ दिख रहा है, बट बहुत अच्छे से तो नहीं दिख पा रहा बिकॉज सामने से ना देखने का कहीं पे है नहीं सामने जाके उसके, बट अच्छा है शायद ये चलता होगा, जब इसके मुँह से पानी निकलता होगा तो और अच्छा लगता होगा। और ये सामने ना अलीबाग बीच है, ये मैं आपको दिखाती हूँ सारा, इधर तक है और उधर तक है। और वो सामने ये जो दिख रहा है ये है यहाँ का फोर्ट, अलीबाग फोर्ट है ये। तो देखो यहाँ पे जाना मिलेगा तो जाएंगे, वैसे जो मेन इसका बीच का है ना उस तरफ है, कहीं उस तरफ एंट्रेंस है इसकी मेन, जो लाइक थोड़ा सा सैंड वगैरह है। इधर सारे ये पत्थर हैं, पत्थर पत्थर पड़े हैं सारे में, तो इधर ज़्यादा नीचे तक हम जा नहीं रहे बिकॉज पत्थर ना शार्प हो जाते हैं और चोट लगने का बहुत ज़्यादा रहता है पत्थर वाले बीच पे। तो उस तरफ शायद थोड़े से लोग खड़े हैं, मुझे नहीं पता आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, वहाँ पे कुछ खड़े हैं थोड़े से लोग हैं इस तरफ यहाँ पे, तो वहाँ पे मेन है वो बीच, अलीबाग बीच। और जब लो टाइड रहता है तो ये बीच के अंदर से वहाँ से रास्ता पूरा ऐसे फोर्ट तक जाता है, आप मतलब खाली हो जाता है, पानी नहीं रहता वहाँ, तो फोर्ट तक जा पाते हो आप। तो ये है अलीबाग का बीच। और इधर ये सामने जो दिख रहा है ये ना, ये किला है, ये बिल्कुल मेरी उंगली के पास में आपको दिख रहा होगा। तो ये किला है जो समुद्र के बीच में है, और ये पानी अभी पीछे की तरफ चला गया है, वरना ये पानी ना यहाँ तक था जहाँ पे आपको निशान दिख रहे होंगे। और ये देखो सामने का क्या मस्त व्यू है, सनसेट होता हुआ। तो आज आपको अलीबाग बीच से सनसेट भी दिखाएंगे, मार्केट में ऑलरेडी आपको मॉर्निंग में दिखा चुका हूँ, और मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाकी नॉर्मल चीज़ें दिखा दी थी। और ये आप चारों तरफ का देख सकते हो, तो इस टाइम का इवनिंग का ये यहाँ पे नज़ारे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पत्थर है तो मतलब इतना नहाना सेफ नहीं है, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो सामने का ये सनसेट है ये आज आपको दिखने वाला है पूरा इसमें। और ये उधर दूर तक है, इधर बच्चे खेलने आ जाते हैं शाम में क्रिकेट वगैरह, और उस किले पर पैदल जा भी सकते हैं, और वहाँ तक बैलगाड़ी भी जाती है जो सचिन जी ने मुझे बताया था। और वो बैलगाड़ी वाले जो हैं वो चार्ज करते हैं 500 रुपीज राउंड का, मतलब लेके भी जाएंगे और फिर वापस भी लेके आएंगे आपको। तो सनसेट हो चुका है और अभी आपने देखा क्या मस्त नज़ारा था। तो बहुत देर से हम यहीं पे खड़े हुए थे, यही चेक कर रहे थे टाइम लैप्स पे लगा के, और अलीबाग मतलब अच्छा लगा बहुत। और आज मतलब जो भी घूमे, थोड़ा सिटी उटी घूमे, बीच पे आज नहीं जा पाए हम ज़्यादा तो हाथ पे बार बार, चलो अब यहाँ ऊपर आ गया, तो बीच पे हम ज़्यादा नहीं जा पाए आज, वो जब हम लौट के आएंगे गोवा से तब जाएंगे। आज रात को हम निकलेंगे यहाँ से गोवा के लिए, और अब अगले जो वीडियो आएंगे वो आपके गोवा के मिलेंगे सारे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। और ये रहे सचिन भाई, तो इन्हीं के आज कल हम मेहमान बने हुए हैं यहाँ पे, और सचिन भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करना, फील द लाइफ। और मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।